मित्रों, किसी गांव में एक किसान रहा करता था जो बहुत ही गरीब था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और कोई आय का साधन था नहीं। किसी तरह से गरीबी में जीवन कट रहा था, पर सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी जो पत्नी थी वो कर्कश स्वभाव की थी और अपने पति को दिन रात डांटती रहती थी, ताना देती रहती थी। तुम्हारे पास है क्या? तुम क्या कमाई करते हो? मुझे तो जीवन भर यही दुख भोग उठाना पड़ रहा है। रात दिन उसके ताने से तंग आकर के एक दिन वह किसान रात्रि को सुनसान में बाहर निकल जाता है और चलते चलते एक घने वन में पहुंच गया, जहां पर वह देखता है कि एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह वहीं पर महात्मा के पास बैठ गया और जब महात्मा के ध्यान समाधि टूटी तो उन्होंने देखा किसान रो रहा था। उससे पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है, बताओ मुझे। तो किसान ने अपनी पत्नी की बर्बरता की सारी कहानी बयान कर दी और कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ तो मैं कर क्या सकता हूँ, इसमें मेरा दोष क्या है? अगर मेरे भाग्य में धनवान होना नहीं लिखा है तो मैं क्या करूँ? अपना पूरा प्रयास करता हूँ, पर मेरी पत्नी रात दिन ताना देती है। तो उन संत जी ने बताया कि देखो, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ और बहुत ही गोपनीय उपाय है, किसी को बताना नहीं, और अगर इसको करोगे तो वह पत्नी तुमसे फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, और दूसरी बात यह कि तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब उस किसान ने कहा, महाराज जी, आप जितना जल्दी हो सके हमें बता दीजिए। आरत के मन रहे न चेतु, फिर कहे अपने हेतु। महात्मा जी मुस्कराए और उन्होंने कहा, सुनो, ये बात समझने के पहले ये कहानी सुनो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो संत जी ने बताया कि एक राजा के राज्य में एक किसान रहा करता था। वह किसान दंपत्ति बहुत ही सुख और संपत्ति से संपन्न था, क्योंकि उन दोनों का पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। कभी घर में कलह नहीं होती थी, किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, और उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता था। अब ये बात पूरे गांव क्या क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते राजा के कानों तक खबर पड़ी कि उस गांव में किसान के यहाँ दोनों के पति पत्नी में इतना प्रेम है कि उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, और उसके घर में कभी भी कलह का शब्द सुनाई नहीं पड़ता। अब राजा भी बड़ा खुशी रहता था, मेरे राज्य में ऐसा किसान है, तो सबसे चर्चा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, में एक राज की बात थी कि जो किसान की पत्नी थी वो थोड़ा सा टाइट स्वभाव की थी, और वह भी अपने पति को उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी, ताने मारा करती थी। पर वो किसान बहुत ही समझदार था, वह जानता था कि इससे लड़ाई झगड़ा और क्लेश करने से लक्ष्मी रूठ जाएंगी, हमारा घर में जो वातावरण सुख समृद्धि का बना हुआ है वह नहीं रह पाएगा। इसलिए वह उसकी बातों को टाल दिया करता था और ऊपर से बनावटी प्रेम की बातें करके घर को अच्छी तरह से चला रहा था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। तो राजा अपने दरबार में रानी से कहने लगे कि देखो, उस किसान के घर में जो
सुख संपत्ति और लक्ष्मी का वास है, उसका कारण उसका पति है, क्योंकि वह बहुत ही समझदार और योग्य व्यक्ति है। रानी ने कहा, नहीं, उसकी पत्नी बहुत समझदार है, वह बहुत ही धर्मपरायण है, जिसकी वजह से उस घर में सुख संपत्ति है। अब ये राजा और रानी का कई बार ऐसा कहते कहते आपस में विवाद हो गया, और जब विवाद हुआ तो विवाद ज़्यादा बढ़ता देख राजा ने कहा कि देखो, हम लोगों को आपस में इस बारे में लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, उनका टेस्ट कर लिया जाए, परीक्षा कर लिया जाए। रानी भी सहमति दे दी, हाँ ठीक है, दोनों की परीक्षा की जाए, कौन सही है। राजा ने एक अपने सैनिक को बुला करके कहा कि जा करके उस किसान से मेरी एक बात बोल देना, और जो वह कहे वह सुन करके तुम आकर के मुझे बताना। तो सैनिक को राजा ने निर्देश दे दिया कि तुम्हें क्या पूछना है। अब वो सैनिक गया, संयोग से उस दिन उसकी पत्नी किसान की खेत पर काम करने गई हुई थी, किसान की तबीयत कुछ खराब थी तो वो घर पे ही था, और जैसे ही ये सैनिक गया तो किसान को आवाज़ लगाया, वह बाहर आया और बड़े ही आदर सत्कार के साथ बोला, बैठिए, आपके लिए जल ले आता हूँ, आप पी लीजिए। और तब उस सैनिक ने कहा, नहीं, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा का सैनिक हूँ, आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। तो किसान ने कहा, क्या समाचार लाए हो। सैनिक ने कहा, राजा ने कहा है कि तुम अगर अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो तुम्हें आधा राज्य और महल का आधा हिस्सा और ढेर सारा खेत इनाम में राजा देंगे, और तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। किसान बोला, जाकर के अपने राजा से बोल देना, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता, आधा नहीं पूरा राज्य ही क्यों न दे दें, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता, ये धर्म के खिलाफ है, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब वह दूत जो सैनिक था जाकर के राजा को बताया, राजा ने सुना, रानी भी सुन रही थी। तो रानी ने कहा कि देखो, आपने किसान का परीक्षण तो कर लिया, अभी रानी का परीक्षण तो हुआ नहीं है, तो ये निश्चित कैसे हो कि वास्तव में सही कौन है। राजा ने कहा, आप भी परीक्षा करवा लीजिए। रानी ने एक सैनिक को बुला करके उन्हें समझाया और समझा करके कहा कि तुम जाओ और जो किसान की पत्नी है उससे बोल देना, तो वो जो बताया करके हमें उतर देना। अब वो किसान वहाँ पे गया, और जब सैनिक गया तो उस दिन किसान खेत पर काम करने गया था, घर में पत्नी थी, सैनिक ने आवाज़ लगाई, तब तक तो अंदर से बड़ी तेज़ी की आवाज़ आई, क्यों कान फाड़ रहे हो, कौन हो, क्या आए हो, क्या फट टूट पड़ी है, क्यों चिल्ला रहे हो। सैनिक हक्का बक्का रह गया, पर दूसरे दरवाजा खोला, बोली, बताओ क्या बात है, क्यों आए। तब सैनिक ने कहा, मैं रानी का भेजा हुआ एक दूत हूँ और आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। रानी ने कहलवाया है कि तुम अगर अपनी पत्नी, अपने पति को, किसान को जान से मार दोगी तो तुम्हें आधा राज्य मिलेगा और आधा महल में मिलेगा हिस्सा, और जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो है ही है, ढेर सारा खेत मिलेगा जमींदारी में जो मिलता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जा करके रानी से बोल देना कि जब
मेरे घर का दिया बुझ जाए तो समझ लेना कि मैंने किसान की हत्या कर दी है और मैं किसान को मार ही दूंगी। और प्रमाण ये होगा कि मेरे घर का दिया बुझ जाएगा। वो जा करके सैनिक राजा रानी को बताया। अब राजा को चिंता हुई कि वो किसान की जान लेने पर आमादा है, वो मार ही डालेगी। राजा ने तुरंत ढिंढोरा पिटवाया कि नगर में सबके घर में रात्रि में घी का दीपक जलना चाहिए। सबने घर में दीपक जलाया और रात्रि के 12 बजे तक सबके दीपक जलते रहे, परंतु उस किसान का दीपक नहीं बुझा, वह जलता रहा, बाकी सबके बुझ गए थे। अब किसान को यह चिंता हुआ कि वह रात्रि को किसान को मार डालेगी और दीपक बुझा देगी, तो इसका उपाय होना चाहिए कि मेरे राज्य में निरपराध की हत्या न हो और उस किसान की हत्या का पाप मेरे सिर पर न आ जाए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजा कि रात्रि होने से पहले ही पहुंच जाएं और किसान को बचा लें। वहां पहुंचते हैं, जब सैनिक लोग तो देखते हैं किसान तो मरा पड़ा है, उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया है, उसकी पत्नी वहीं बैठी हुई थी। और जब राजा ने उस किसान की पत्नी को बुलवाया और पूछा कि तुमने यह हत्या तो रात को करनी थी तुमको, तो तुमने दिन में ही क्यों कर दिया, तो उसकी किसान की पत्नी ने कहा कि देखो राजन, मुझे तो उसकी हत्या करनी ही थी। आपका संदेशा आता या न आता, मुझे उसकी हत्या करनी ही थी, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करता था। राजा बोले, क्या परेशान करता था, निसंकोच बताओ। तब उस किसान की पत्नी ने बताया कि इसकी आदत बहुत खराब थी राजन, यह मेरे कुछ अंगों को दबाता था जिससे मुझे चीड़ होती थी। तो राजा ने कहा, साफ साफ बताओ, उसमें कहने की क्या बात है। उसने कहा, मेरे नाक के ऊपरे हिस्से पर जहाँ भौहें मिलती हैं उसके पास से यह तेजी से दबा दिया करता था कभी कभी, और कभी कभी मेरे कान के पिछले हिस्से को जीभ से स्पर्श कर लिया करता था, मुझे बड़ी चिढ़ आती थी। तो राजा ने कहा, ये बताओ, जब तुम दोनों गरीब थे तब भी किसान ऐसा करता था। बोली, नहीं, तब तो ऐसा नहीं करता था। तो फिर राजा ने कहा कि जब किसान ये करने लगा तब तुम कैसी स्थिति में आए। तब तो उस पत्नी, किसान की पत्नी ने कहा कि तब से तो हम बहुत अमीर हो गए, हमारे घर में सुख शांति हो गई और इतनी कहानी सुना करके वह संत जो गरीब किसान को सुना रहे थे बोले, तुम्हारी समझ में आई मेरी बात। तो उस किसान ने कहा, महाराज अभी ठीक से समझ में नहीं आई है, आप समझा दीजिए। तो उस महात्मा ने कहा कि आज के बाद जाओ और ये नियम तुम भी करो निसंकोच, इसमें कोई एक प्रकार का भगवान शिव का दिया हुआ टोटका है जो सावर मंत्रों के अंतर्गत आता है कि स्त्री के नाक का जो ऊपरी भाग होता है भौहों के स्थान पर, वहाँ पर दबा दिया करना और कान के पिछले हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है उसे जीभ से स्पर्श कर लेना, और ये सावधान रहना कि ये बात अपनी पत्नी को बता देना, बता करके उसे राजी करके
तो इससे तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा, तुम्हारे लिए घातक भी नहीं होगा, और तुम्हारे घर में खूब धन की वर्षा होगी। और अभी जो घर में विवाद चल रहा है वो विवाद समाप्त हो जाएगा, लक्ष्मी का वास होगा। तो मित्रों, जो व्यक्ति इन पुराणों में वर्णित पुराने उपायों को, टोटकों को करता है, उसमें सत्यता है और वो लाभ पहुंचाते हैं, तो आप भी इस तरह के नए नए टिप्स सीख करके आजमाते रहें। इसमें हमारा आपका जाता क्या है, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, सावधानी है। इसको करने से घर में खुशहाली आती है, धन की कमी नहीं होती, परिवार में शांति बनी रहती है। तो इसे अवश्य करें।